अरे हे भगवान, सरपंच जी देखा आपने? ये हो क्या रहा है? बगुले सारी फसलें बर्बाद कर रहे। कृष्णा कहाँ मर गया? अबे सुन, हाँ लेग ब्रेक बहुत परेशान कर रहा है, तू हैंड ब्रेक लगा दे। ठीक है यार। मैं हूँ प्रसन्न, आंजने की सेवा से मेरा वरदान उसे हमेशा रहे। सेवा से मेरा वरदान उसे हमें। तो कुछ भी बोल यार, इसे परचुरी ब्रदर्स नहीं लिखा है। तेरी शक्ल की तरह अकल पे भी डांबर लगा है। फिर से ये बात कही ना तो मैं तुझे चप्पल से मारूंगा। ये राजमौली के पापा विजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। चल लगी शर्त। चल लग गई। हाँ हाँ, आना देखते हैं। चल। ए, क्या कृष्णा, नाटक शुरू होने के पहले आने के लिए कहा था ना, अब आ रहे हो? कहाँ फंस गए थे भाई? जल्दी आने के लिए मैं कोई वॉचमैन थोड़ी हूँ, किंग ऑफ द्वारका लॉर्ड कृष्णा हूँ। लेट तो आना ही है। अच्छा, एक बात को लेकर हम दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। तू बड़ा आदमी है, तू जरा फैसला कर दे। अरे मेरी बात तो सुनो भाई। तू क्या वकील है जब तेरी बात सुनेंगे? पहले हमारी शंका मिटा। हाँ, कैसी शंका है बोलो? वो क्या है ना, महाभारत, महाभारत है ना, उसे परचुरी ब्रदर्स ने लिखा है ऐसा ये ज्ञानी कह रहा है, और विजेंद्र प्रसाद ने लिखा है ऐसा मुझ जैसा महाज्ञानी कह रहा है। कौन सही है तू बता दे। कृष्ण और बलराम की भूमिका कर रहे हो, महाभारत किसने लिखी है ये नहीं जानते हो? ये घोर पाप है। अरे व्यास जी ने लिखा था। कोई yes? नकली नाम लेकर हमसे झूठ कहा ना तो फोड़ दूंगा मैं। हमारी अकल से जलन हो रही है इसे। यार सुन, है? ये कविता कैसी लग रही है बता जरा। सुना बहना मेरी यादों में। क्या रे, इस नाटक में भी तेरी कोई बहन है क्या? अबे मैंने बहन नहीं बहना कहा। ये कविता सुनाकर हाँ? मैं गोपियों के कपड़े उड़ाकर ले जाऊंगा। कहाँ उठाकर ले जाएगा, सारी गोपियां तो उससे नाराज हैं। मैं लेट आया इसलिए तेरे आने की वजह से। हाँ? और नहीं तो क्या, मालूम है क्या कह रही है? तेरे साथ नाटक करने से अच्छा कि अपना सर फोड़ लें। कहाँ है वो गोपियां? क्या नाटक है? मैया यशोधा ये तेरा कन्हैया। एक्स्ट्रा होके मुझसे ज्यादा भाव खा रही हो। चलो चलते हैं। कहाँ चलना है? मैंने पूरी रामायण सुना दी और तू अब पूछ रही है कि धर्मराज कौन थे? रामायण में धर्मराज कहाँ है? अब होंगे होंगे, क्यों नहीं होंगे, इतनी जोर से मारने के बाद रामायण में धर्मराज तो क्या, एक्टर विजयराज और एक्टर दीपराज भी आ जाएंगे। करेक्ट। एक तो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करके कविता रट के आया हूँ मैं, तुम नाटक ही नहीं करोगी तो अकेले कविता गाकर नाचू क्या? तू कुछ भी बोल, डायलॉग बोलने वाले इस बंदर के साथ नाटक कर लेंगे लेकिन तेरे साथ नहीं। यार मैंने तुझे मेकअप के वक्त ही बोला था, कृष्ण का गेटअप तुझसे ज्यादा मुझ पे सूट करता है। इसको पकड़, मुझे फ्लूट दे दे। तुम लोगों ने मेरी इंसल्ट की है ना, अब तो कविता सुनाने कहूंगी तो भी नहीं गाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। चल बे। तू जा यार, मुझे तो अभी इनका नंबर लेना है। नंबर लेगा? हाँ। बेवकूफ कहीं का। किसका रोल कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता, सीता का रोल है। इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो। I am loving you. Love? तू मुझे मंगलसूत्र पहना इससे अच्छा है मैं गला काट के मर जाऊं। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने? वैसे भी तुझ में है क्या, इतना निकम्मा और जिद्दी है, तुझसे कोई लड़की शादी क्यों करेगी? ना तुम्हारे पास जमीन है ना कोई जायदाद। तू मुंह संभाल के बात कर, खुद अप्सरा रंभा आसमान से उतर कर आएगी मेरे लिए, देख लेना। हाँ हाँ आएंगी, ऐसा अगर हुआ ना तो मुंडन करवा के पूरे गांव में घूमूंगी। तू तो रहने ही दे, बालों के साथ झल्ली लगती है, मुंडन करवागी तो कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे, देख लेना। जा जा सूर बना खा। तू फसल के पास नहीं था इसीलिए सरपंच ने पेड़ के नीचे पंचायत रखी है, वहाँ सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। ऑलराइट लेट्स गो आस्क समवन हियर। Hi. Are you excited being here? I'm so excited. I'm dying to see Arjun. Wow. All right. I have someone else also here. Hi.
Tell me, are you a huge fan of Arjun? I love him. I'm ready for one night stand to go with him. Oh, careful. Your mom must be watching this. I love you, Arjun. It's my mom. Did you just see that magic? Arjun Jayaprakash, the Indian-originated rock star, has a huge fan following all across the world. They are crazy about him. अर्जुन्स बेस्ट फ्रेंड कम मैनेजर ब्रह्मा जी आज हमारे साथ हैं सर इतने लोगों को अर्जुन के लिए वेट करवा रहे हैं इसका मतलब उनकी एंट्री बहुत ही स्पेशली प्लान की है क्या अरे उसका पता होगा तब तो एंट्री एग्जिट प्लान करेंगे यहाँ से हर कोई सवाल करने आ जाता है पता नहीं कहाँ होगा ये मेरी जान निकल रही है What? This is breaking news. Yeah, I'm waiting for him. You cheater! I don't know what you'll do. Our concert should start in 5 minutes. Do you understand? Okay. Yeah, I'm coming. अबे पागल इसका मैनेजर बनने से अच्छा है कि किसी मैन होल में कूद जाओ पता नहीं किस कोने में होगा बाहर सब वेट कर रहे हैं वेट करने वाले को लेट एंट्री दो तभी किक मिलती है डोंट वरी शादी में देर से जाने के लिए मैं गेस्ट नहीं हूँ दुल्हन हूँ ओके बाय मुंह बंद करो अंकल डोर खोलने से पहले नॉक करना चाहिए कॉमन सेंस नहीं है क्या गेट आउट यू कम जेसी यू एक बार बोला समझ में नहीं आया क्या वो शर्मा रही है यार शर्मा नहीं डर रही है व्हाट तुझे देखकर क्यों डरेगी आफ्टर ऑल तू एक वेटर है वो वेटर नहीं है पीटर है मेरा फियांसे है हाय ब्रो कांग्रेचुलेशंस जानते आजकल जैसी जैसी लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल है लक्की फेलो सो सॉरी ब्रो तुम्हारी आउटफिट देखकर मुझे लगा तुम वेटर हो चिल ब्रो एक्चुअली आई एम अ डिजाइनर दरअसल जैसी को उसकी ड्रेस थोड़ी टाइट हो रही थी तो मैं सेट करने के लिए आ गया एक्चुअली ऑलमोस्ट सेट हो गई है ओके 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 या ओके हे तू डिजाइनर कहेगा तो मैं मान लूंगा क्या पता है सिगमंड फ्रॉयड ने क्या कहा था ऐसी सिचुएशन में समझाने का भी कोई फायदा नहीं है जैसी इट्स टाइम फॉर मी टू लीव जाने से पहले एक सवाल जानते हो इन चर्चेस में विंडोज क्यों होते हैं हवा आने के लिए रॉन्ग आंसर What's up? रात को ही तो मिले थे अब क्या हुआ फिर से मेरी याद आ गई पता है घर वालों ने मेरी शादी फिक्स कर दी है इंडिया आने के लिए बहुत फोर्स भी कर रहे हैं हमारे बारे में एक बार मेरे पेरेंट्स से बात कर लो ना प्लीज प्लीज अर्जुन नो बेबी ऐसी बातें फोन पर नहीं डायरेक्ट करने से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एक काम करो तुम इमीडिएटली इंडिया चली जा तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी चला आऊंगा क्यों भाई शादी करने वाला है क्या इससे ए
अरे जैसे आगरा में चार मीनार नहीं है, वैसे ही हमारे गांव वालों में दिमाग नहीं है। अरे कृष्णा हमारे सर पर चढ़कर तांडव कर रहा है। अरे भाई कितने दिनों तक सहेंगे हम लोग? गधों की तरह काम हम करें और कर्ण की तरह दानवीर बनकर सारी फसल पंछियों को खिला रहा और खुद घूम रहा है। आने दो उसे, टांगे तोड़ दूंगा। क्या सरपंच, गांव के बीचों बीच सभा लगा दी? काम धंधा नहीं है क्या? हम सब अपना काम अच्छी तरह कर रहे हैं, लेकिन तू नाटक और दोस्तों के नाम पर गांव में घूम रहा है। इतना समझाने के बाद भी अक्कल नहीं आ रही तुझे? ए, अपनी माँ के पास जा। अबे सुन, हाँ। उस लड़की को देखकर मुझे रोमांटिक गाने क्यों सुनाई देने लग गए? सिर्फ तुझे ही नहीं, यहाँ सबको सुनाई दे रहा है। शादी? चप्पल फेंक के नहीं मारी, मतलब लगता है गांव में नहीं आई है। तू तुझसे कुछ भी बात करो मतलब भैंस के आगे बीन बजाओ। तू जो टेंशन दे रहा है ना, उसे कम करने के लिए ऐसी चीजें खरीद रहा हूँ मैं। सुबह सुबह बकवास किए जा रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया यहाँ? तुझे खेतों की रखवाली की जिम्मेदारी हमने दी थी, तूने क्या किया? तेरे पिता ने गांव वालों के पैसे डुबा दिए और तू हमारे पेट पर लात मार रहा है। हम क्या इलाज करें तेरा? सारी फसल इंसान खा लेंगे तो पंछी क्या खाएंगे? उन्हें जीने का हक नहीं है क्या? इसीलिए मैंने उन्हें आजादी दी। पक्षियों जानवरों के लिए लड़ने आया है ये आजादी का महायोद्धा। देखा सावित्री बहन आपने, आपका चेहरा देखकर हमने इसे काम पर रखा और ऐसे बात कर रहा है। मैं भी माँ का चेहरा देखकर ही पहरा देने के लिए मान गया था। ए कृष्णा, ये क्या है? गांव में झगड़े कर रहा था इसलिए तुझे खेत में भेजा, तो वहाँ भी झगड़े कर रहा है। तुम मुझे कुछ मत सुना, इसमें मेरी गलती नहीं है। गलती तेरी नहीं, तेरी माँ की है। तेरी माँ में दिमाग नहीं। सुन, हाँ। क्या इस सरपंच की कोई जवान पोती होती है? मुझे नहीं लगता कि कोई है। गारंटी? गारंटी यार, बच्चों को जन्म देना बहुत आसान होता है सावित्री बहन, पर उन्हें अच्छी परवरिश कौन देगा? पड़ोसी? ए बुढ़े, मुझे जो सुनाना है सुना ले, मेरी माँ को कुछ भी कहा ना तो बहुत सकेला इंसान हूं, इतना मारूंगा कि भूल जाएगा कि तू सरपंच है, समझा? इतनी देर क्यों लगा दी? चल आजा, शुरू हो जा। कृष्णा कहाँ है? वो देख वहां। तू सुपर है यार। कृष्णा का चेहरा बहुत चमक रहा है, मतलब वो किसी लड़की से बात कर रहा है। लगता है किसी ने हरा झंडा दिखा दिया। यार झंडा वंडा कुछ नहीं, लेडीज वॉइस सुने बिना इस आदमी को कभी नींद आती नहीं है। क्या मतलब? कस्टमर केयर वाली को फोन करके बात कर रहा है। कृपया करके आपको क्या चाहिए थोड़ी क्लैरिटी से बताएंगे सर? आपके ऑफिस में उमा महेश्वरी नाम की लड़की है ना, जरा उसे फोन देना। कृष्णा नाम का कोई लड़का रोज फोन करके उसे परेशान करता था, इसलिए उसने जॉब छोड़ दिया सर। अरे रे बेचारी। अच्छा ठीक है, अपना पर्सनल नंबर दे दो। किस लिए सर? अरे किस लिए क्या, सुख दुख बांटने के लिए? सॉरी सर, ऐसी पर्सनल बातें आप पूछ नहीं सकते, मैं बता नहीं सकती। रिचार्ज नेटवर्किंग से संबंधित प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, मैं सॉल्व कर दूंगी। अरे प्रॉब्लम वॉब्लम होने के लिए मैं कोई डेली सीरियल की हीरोइन थोड़ी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अपना फोन नंबर दे दो, तुम पहली लड़की होगी जिसके पास कृष्णा का फोन नंबर होगा। कृष्णा, ये कस्टमर केयर को कॉल करने के लिए धन्यवाद। आप इस बातचीत को कितने स्टार्स देना चाहते हैं? देखो सुन लो, तुमने फोन काटा तो 0 स्टार दूंगा, आगे तुम्हारी मर्जी। तुमसे बात करने से तो अच्छा है 0 स्टार्स मिले। बाय। ये आईटी गर्ल्स टू मच है यार। क्या बात हो गई कृष्णा? लड़कियां इतनी सख्त क्यों होती हैं? एक फोन नंबर क्या मांगा, ऐसे देखती है जैसे मैंने उनकी जायदाद मांग ली हो। लड़कियां नहीं पट रही है इसीलिए तो चिंता कर रहा है कृष्णा। लड़कियां नहीं चाहिए यार, एक लड़की काफी है। यहाँ रख के ख्याल रखूंगा मैं उसका। DDLJ में शाहरुख की ट्रेन छूटी थी ना, वैसे लड़कियों से मेरी उम्मीद छूट रही है। इतना दुख हो रहा है कि क्या बताऊं,
मुझे तो दिन रात ऐसे ऐसे गाने सुनाई देते हैं जो तुम में से किसी को भी सुनाई नहीं देता होगा। ए अकल के अंधे, आधे घंटे से फोन बज रहा, उठाना, सुनाई नहीं दे रहा क्या? के कृष्णा, सुबह गोपिका का रोल करने वाली लड़की का फोन है रे। हेलो डार्लिंग, कैसी हो तुम? क्या नसीब है यार, काले पेन की स्याही जैसा दिखता है लेकिन इसको भी प्यार मिल गया। ठीक हाँ सुनो ना, थोड़ा बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? मेरी बहन कह रही है कि वो मर जाएगी। अच्छा मैं फोन रख रहा हूँ। हाँ उसे एमएलए का बेटा बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, आज उसने उसके साथ छेड़छाड़ भी की, इसलिए वो जहर पीने वाली थी। ए मनी सुन, हाँ गाड़ी निकाल। उस मृदंग राव ने फिर से फोन किया था। मृदंग राव, हु इज ही? लड़कियों के नाम ही नहीं, जरा लड़कों के नाम भी याद रख लिया करो भाई। मृदंग राव हैदराबाद का प्रोग्राम मैनेजर है, तुम्हारे साथ कॉन्सर्ट करने के लिए एक पैर पर खड़ा है वो। उससे बोल दे मेरे लिए सपने देखना बंद कर दे। बनाने और लड़कियां पटाने में तुझे दो मिनट ही क्यों लगते हैं, जरा बताओ? सामने वाले को हम कितना चाहते हैं ये उन्हें हमारी आंखों में दिखना चाहिए। It should hit them hard like a cyclone. तभी ऐसा नजारा दिखता है। क्या करने वाले हो भाई? क्या भाई, पुलिस यूनिफॉर्म में पोलर बियर लग रही है, मर गए। जानता है ऐसी सिचुएशन में सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा था? कार छोड़कर भागने को कहा था। जरा ठीक से देख। What happened यार? पुलिस आई थी? Any problem? तुझे यूनिफॉर्म नजर आई और मुझे यूनिफॉर्म के नीचे की हॉट बॉडी। तू मच है यार तू। वो तो ठीक है। वैसे इस गली में कोई एनजीओ या चैरिटी नहीं है। तू यहाँ कैसे आया? I know that। मैं तुमसे ही मिलने आया था। तुम जानते हो ना, वुमेन ट्रैफिकिंग में कई बच्चों को किडनैप करके बाई फोर्स प्रोस्टिट्यूट्स बना रहे हैं। सिर्फ यूरोप में ही ऑलमोस्ट 3000 गर्ल्स हैव बीइंग किडनैप्ड लास्ट ईयर। हम उनमें से कई को हमारे एनजीओस के द्वारा रेस्क्यू कर पाए, लेकिन विक्टिम्स के बढ़ने से एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से फंड्स कम पड़ रहे हैं। हाँ तो तू फ्री ऑफ कॉस्ट एक कॉन्सर्ट करके अगर उन पैसों को हमारे एनजीओ को डोनेट करेगा तो उन लड़कियों की बहुत मदद हो जाएगी। सी बड़ी, आस्क मी फॉर एन ऑटोग्राफ और अ सेल्फी, डोनेशन वगैरह मत मांगना। क्या यार, अरे इंसान में थोड़ी तो इंसानियत होनी चाहिए ना। अगर लाइफ में कामयाब होना है तो मैं अच्छा हूँ या बुरा, ये सवाल कभी खुद से नहीं करना चाहिए। वो बात नहीं है यार, मेरी प्रैक्टिस का टाइम हो गया, चाय पीकर जाना। वेट, सॉरी पीटर, व्हाट्स अप ब्रो? ए, तेरे लिए शादी छोड़कर दो दिनों से ढूंढ रहा हूं, अब मिला है। अच्छा तू घर पर नहीं था और जेसी ने मुझे बताया भी नहीं? व्हाट अ वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। Oh!
तू जानता नहीं मैं एमएलए का बेटा हूँ? अबे एमएलए क्या चीज है, गंदे काम करेगा तो एमपीटीसी के बेटे को भी मारूंगा। एमपीटीसी से एमएलए बड़ा होता है यार। बोल दिया तो बोल दिया, अब क्या गलती हो गई इसलिए इसके जूते पकड़कर इससे माफी मांगू मैं? माँ बहन की इज्जत करना सीख ले। मानता हूँ लड़के को लड़की से प्यार हो सकता है, ये तो भगवान का रूल है, लेकिन तूने तो छेड़छाड़ करके इस भोली सी लड़की को रुला दिया। तू जानता नहीं इस लड़की के लिए इसकी इज्जत इसकी जान से ज्यादा प्यारी। ओ चाचा, सब्जियों का कितना हुआ? 500। निकल। माँ जी, फूलों का कितना हुआ? 300 रुपए। हाँ, ये लो। ये डंडी किसकी है? बस को सीधा स्वर्ग से यहाँ लेकर आए हो? क्या कहा, स्वर्ग से लेकर आए हो? कहना क्या चाहते हो? वरना इस सड़ेली बस में ये अप्सरा क्या कर रही है? डंडी का कितना हुआ? ये डंडी नहीं है, इससे सेल्फी स्टिक, ये उतनी कॉस्टली नहीं है, इसलिए तो इसे हटाकर पूछ रहा हूँ ना। बताओ कितना हुआ? 800 बक्स। बक्स मतलब बकेट क्या? हाँ, बक्स का मतलब रुपए। ये स्टिक सिर्फ 800 रुपए की ही है। ये 100 रख लो, बाकी के बाद में दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, रख लो रख लो। अरे धीरे धीरे गए होश मेरे, कहीं तेरे बिना चैन आए ना, कहीं दूर चले तुमसे। हाँ, दिल के जगे अरमां, तन्हा रहना अब ना, तुमसे है ये कहना। कृष्णा, बंदर के जैसे क्यों झूल रहे हो? इस लड़की को देखकर पूरी बस में सिर्फ मुझे गाना सुनाई दे रहा है, इसका मतलब ये वही है। अरे ओ गधे, पत्ता और जर्दा लेकर आ। कमला दादी, क्या है, यही गाना लगाना था क्या? क्यों, गाने में क्या बुराई है? रख। हाँ ठीक है, चलिए कर लिया गया। उतरिए उतरिए, जल्दी उतरिए उतरिए भाई। हाय कैप्रा हार्किस, ओस कितना क्यूट है ना। कैप्रा वैप्रा नहीं है, बकरा है। एक्चुअली बकरी का साइंटिफिक नेम कैप्रा हॉर्किस है। साइंटिस्ट नेम? बाय कैप्रा सर्कस, देखता क्या बे, ये बकरी नहीं है। क्या हंसी है,
जैसे गर्मी में बरसात हो गई हो। थैंक्स यार ब्रह्मा, तू सही वक्त पर नहीं आता ना तो पीटर के फ्रस्ट्रेशन में मेरा ग्लैमर खराब हो जाता। तू तो फंसता नहीं है, मुझे ही फंसा देता है। 100 यूरो देने पर उस पुलिस वाले ने छोड़ा था, अब अगर लड़कियों के मैटर पर ब्रेक नहीं लगाया ना तो हम दोनों की बॉडी पर ब्रह्मा ब्रेक लगा। वेदर है ना? या इट्स सुपर। यूजुअली आई थॉट यू डोंट लाइक ग्रीन। नो नॉट लाइक दैट, इट्स अ लॉट ऑफ फन। मे आई? श्योर। Green's beautiful, isn't it? पर तुम्हारी जितनी नहीं, तुमसे 10 गुना कम। अब तुम्हारी आंखें देखी तो 20 गुना कम। सॉरी, पहले तुम्हारी नाक नहीं देखी थी, आई थिंक 30 गुना कम। फाइनली लिप्स देख कर कह रहा हूं, तुम्हारे और बरसात के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। हेलो, तुम्हें क्या चाहिए? ठंड को कम करने वाला कोई भी काम चलेगा। What? I mean, coffee? सॉरी, मुझे स्ट्रेंजर्स के साथ कॉफी पीना पसंद नहीं है। स्ट्रेंजर्स? मुझे देखकर तुम्हें नहीं लगता कि हमारा 7 जन्मों का रिश्ता है? समझ गई। इंडिया में तो तुम्हारे जैसे पागल को ले जाने के लिए 1404 डायल करते हैं, यूरोप में क्या करते हैं? शायद तुम मुझे नहीं जानती। I'm Arjun. Some call me a rock star, some call me a millionaire, and some people... खैर वो छोड़ो। पास में मेरा एक अपार्टमेंट है, कुछ देर हम दोनों। एक्सक्यूज मी मिस्टर सो कॉल्ड रॉक स्टार, तुम जैसे कई फ्लर्ट्स को देखा है। आई हेट पीपल लाइक यू। तुम जितनी भी पिकअप लाइंस यूज करो, वेस्ट है। गुड बाय। सेक्सी एंड स्टबर्न, आई लाइक द कॉम्बिनेशन। तुझे एक लड़के ने रिजेक्ट कर दिया? ये तो यूरोप की ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई। पता नहीं ऐसी न्यूज़ मुझे ही क्यों मिलती है। क्या रे कृष्णा, बहन के लिए तूने जिस एमएलए के लड़के को पीटा था ना, वो असल में सांप की तरह है, कब डसले भरोसा नहीं। तू संभल कर रहना। वो लड़की बस में बिल्कुल अप्सरा लग रही थी और हंसी तो बॉलीवुड की हीरोइन। ये क्या यार, बाउंसर बॉल की तरह इसकी सारी बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं। 1 घंटे से यही बात बोल के इसने पका दिया है। बस में इसे कोई लड़की मिली थी जो इसे देख के हंसी थी। केले के पेड़ पर नारियल एक बार उग सकता है, लेकिन इसे देखकर कोई लड़की हंस दे, मैं भला ये कैसे मान लूं? मानना है तो मान, वरना जाके डैम से कूद जाना। वो लड़की तो मुगले आजम फिल्म की मधुबाला की तरह खूबसूरत थी, हमारे ही गाँव में आई थी, 1 मिनट में नजरों से गायब हो गई। कोई लड़की पटी नहीं है, लगता इसने पागल हो गया। सही कह रहा है तू। हर जगह सिर्फ वही नजर आ रही है। अगर इस वक्त वो लड़की भागती हुई बस मुझे ही नजर आ रही है तो इसका मतलब मुझे प्यार हो गया ना। पागल हो गया ये। सबको नजर आ रही है क्या? जल्दी से बाइक स्टार्ट करो प्लीज। हेलो, तुम्हें कह रही हूँ, टाइम नहीं है, जल्दी करो।
ये क्या है यार? मुझे भी समझ में नहीं आया। चलो। केले के पेड़ पर भी नारियल उग सकता है यार। लगता है लड़की को मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया, वरना इतनी जल्दी भगाकर शादी। रास्ते में मेरी माँ को भी लेकर चलते हैं, उन्हें मेरी शादी देखने की बहुत इच्छा है। What are you talking? जल्दी आम के खेत में चलो, वहाँ किसी को नाजा नाजा ने काट लिया है। It's an emergency. वो क्या होता है? अरे किसी को सांप ने काट लिया है, ट्रीटमेंट देना है। तो इसीलिए तुम मेरी बाइक पर बैठी हो? Go fast. अब्रा का ढाबरा, हे मेरे विधाता, मौत का साया, सांप का जहर सब उतर जाए। हे भगवान, इसे सांप ने काट लिया, अब क्या होगा? कौन हो तुम? डॉक्टर हूँ, इसे अर्जेंटली फर्स्ट एड देना होगा। पानी पर बबूला, उजाले का दीप, ओम भीम फट। मेरी एक हेल्प करोगे प्लीज? हाँ? कल तुमने बस में किसी को पीटा था ना? हाँ? वैसे इसे भी मारकर यहाँ से भगा दो ना। तुमने जो मंत्र पढ़े थे ना, उससे ज्यादा इस लड़की का जादू मुझ पे चल गया है। घर जाके खुद पे मंत्र पढ़ लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अनजान गांव में अनजान आदमी की जान बचाने के लिए तुम इतना घबरा गई थी? हेल्प करने के लिए जान पहचान की जरूरत नहीं होती। जरा एक मिनट। हाँ, कल सुबह तिरुपति की एक बस है। ये तो मुझे क्यों बता रहा है? तूने कहा था ना मुझे कोई लड़की देखेगी तो मुंडन करवाएगी। ये कोई लड़की नहीं है, स्वर्ग से उतरी अप्सरा है। टिकट के पैसे दूं या उसका इंतजाम कर लेगी? बेचारी बहुत दिनों से पीछे पड़ी थी, कह रही थी कि प्यार नहीं किया तो आत्महत्या कर लेगी। मैंने कहा आत्महत्या करेगी तो माँ बाप का क्या होगा, वही समझा कर आ रहा हूँ। ओह ग्रेट। चले। अच्छा, इस गांव में कृष्णा कौन है? सुना है सबके पीछे पड़कर प्रपोज करता है। मेरे दादाजी ने कहा है उससे बचकर रहना। इस दुनिया को हीरे और कांच के बीच का फर्क कहाँ पता है, वो वैसा लड़का नहीं है। हे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मेरा घर आ गया। यहाँ क्यों रोक दिया? ये है तुम्हारा घर? हाँ। ओह बाय द वे, आई एम रिया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ओके ओके, बाद में मिलते हैं, बाय। बाय। तू कहाँ से आ रही है बेटी? बस ऐसे ही घूमने गई थी दादाजी। दादाजी? क्या हो रहा है कृष्णा? कृष्णा? बगुले भगाने के बजाय यहाँ क्या कर रहा है? वहीं करने जा रहा था, गाड़ी रुक गई। ठीक है, अभी चल निकल। ये तो सरपंच की पोती निकली। सीनू तेरी तो। यार क्या कर रहा है? मैं तेरा दोस्त दुश्मन थोड़ी ना जो पानी में डुबो के मार रहा है यार। तो उस दिन पंखे और मिक्सर ग्राइंडर पर देते हैं वैसी गारंटी देते हुए क्यों घूम रहा था? तेरा तो कलर उतारूंगा। उस खूसट की पोती हो सकती है, मुझे इस बात का सपना थोड़ी ना आएगा यार, छोड़ दे मुझे। तेरी बात मानकर मैंने उसकी कॉलर पकड़ ली, अब मैं उस बुड्ढे को ठंडा कैसे करूंगा? हेलो। हेलो सर, यू हैव टू सी दिस। एक रेयर प्रजाति के बर्ड को मैंने अभी अभी क्लिक किया है। गुड जॉब शुभलक्ष्मी, मुझे वो पिक्स अभी मेल करो। हमारी मैगजीन का कवर पेज वही होगा। आई एम सो एक्साइटेड सर, थैंक यू सो मच। हे हे स्टॉप, हे स्टॉप स्टॉप। हे
रुक जाओ ब्रह्मा, इसे मैं हैंडल करता हूं। इसके लिए तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं ही काफी हूं। उसने मेरी गर्लफ्रेंड का बैग चुराया, मैं ठीक करूंगा। फिर भी कब से तेरे लिए जान लेने या देने का इंतजार कर रहा हूं, प्लीज लेट मी डू दिस। जाओ। ठीक है ब्रह्मा, इस बार तू चला जा। तेरी गर्लफ्रेंड के लिए मैं क्यों मरूं? तू ही मर। अभी तो कहा था जान देगा। वो चाकू निकालने से पहले कहा था। यू कैन डू, इट्स इजी फॉर यू। अब पकड़ो। ये काफी नहीं है। प्लीज नो। ये भी काफी नहीं है। नो। मिस हो गया। सुनिए, एक और कैमरा है क्या? तुम जानते भी हो तुमने क्या किया है? हे, इट्स ओके, दूसरा कैमरा ले लेंगे। किसे चाहिए दूसरा कैमरा? मैगजीन कवर के लिए 2 महीने मेहनत करके एक रेयर बर्ड की फोटो ली थी। इट वॉज माई ड्रीम। ऑफिस को मेल करने से पहले ही सब कुछ स्पॉइल कर दिया। एक्चुअली हम बस हेल्प करने के लिए। मैंने कहा था हेल्प करने के लिए। दोबारा नजर आए ना तो हेल्प के लिए बहुत। सुनो, एक बर्ड की फोटो के लिए मार दोगी? हमने बहुत बर्ड्स देखे हैं जंगल में। सच कहूं तो लड़कियों की खूबसूरती बरसात में भीगने से नहीं आती, किसी को चाटा लगाए तो ज्यादा खूबसूरत लगती है। थैंक्स। इस लड़की ने मुझे मारा, इस बात का ढिंढोरा मत पीटना। ये क्या है? डब्बे से ज्यादा तो मेरे दिल की आवाज आ रही है। वो देखो वो रहा। तो ये बात है। अरे पंछियों, आज आपकी आजादी का दिन है। यूजुअली तुम लोगों को मारते हो ना, तो फिर आज डब्बा क्यों? इसका काम तो यही है ना। वो मैं पंछियों को म्यूजिक सुनाता हूँ। ए तू जा, आठ आने के चने खरीद लेना। चने? चल हट। 20 रुपए का रिचार्ज है पर कितना भाव खाता है। आप यहाँ कैसे? ओह, एक अर्जेंट फोन करना था, घर पर सिग्नल नहीं है, यहाँ मिलेगा, इसीलिए दादाजी ने यहाँ भेज दिया। यहाँ से आगे मैं लेकर जाता हूँ, चलो। वैसे तुम्हारा गांव कौन सा है? हैदराबाद। हॉलीडेज में दादाजी से यहाँ मिलने आई हूँ। अरे तुम्हारे दादाजी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। बच्चों को जन्म देना बहुत आसान होता है सावित्री बहन, पर उन्हें अच्छी परवरिश कौन देगा? पड़ोसी। ए बुढ़े, मुझे जो सुनाना है सुना ले। मेरी माँ को कुछ भी कहा ना, तो बहुत सकेला इंसान हूँ। इतना मारूंगा कि भूल जाएगा कि तू सरपंच है, समझा? जानती हूँ, कॉलर भी पकड़ा था ना। ये लो, खा लो। हे, टैमरिन डाजन दिका। मैं जानता हूँ लड़कियाँ सोचती कुछ है, कहती कुछ है, पर तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। एक्चुअली मेडिसिन सीट के लिए 4 साल पढ़ाई की है, इसलिए सारी चीजों को उसके साइंटिफिक नाम से बुलाने की आदत हो गई है। यहाँ कोई मेला लगा हुआ है क्या? अगर डॉक्टर की भाषा में कहूँ तो हमारे गांव का सिग्नल बुखार के मारे कमजोर रहता है, यहाँ फुल सिग्नल मिलता है। पेड़ ही हमारा टावर है, यहाँ से अमेरिका के सरपंच से भी बात कर सकते हैं। ए कृष्णा, तुम्हारे चाचा से बात करनी है, जरा नंबर मिला दो ना। चाचा से बहुत प्यार है आपके चाचा। कैसा प्यार, शहर जा रहा हूँ कहकर 3 दिन पहले निकले थे, पता नहीं कहाँ जाकर टल्ली पड़ा होगा, गधा कहीं का। लो बात करो। हेलो हेलो, क्यों कर रही हैं? पत्नियां पतियों से ऐसी बात करती हैं। ये तो प्यार है। तुम्हें किसी से बात करनी थी ना? हाँ तो करो, यहाँ बैठ जाओ, सिग्नल अच्छा मिलेगा। थैंक्स। हाँ कर लो कर लो। और बता यार कैसा है? पंचर बनाने के बजाय यहाँ क्या कर रहा है? वो क्या है, मेरी वाली ब्यूटी टिप्स पूछ रही थी, उसे वही बता रहा था। वैसे तू यहाँ कैसे?
तू अगर 1,00,000 रुपए भी रख देगा तो भी मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, याद रखना। अबे क्या हुआ, इतना क्यों भड़क रहा है? यही बालाजी रिचार्ज वाला यार, पैसों के लिए आया था तो बोल रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक है, बोल के 60 रुपए हाथ में रख दिया। इसमें एक भी मिस्टेक है क्या? देख, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। हेलो, तुम्हारे दोस्त? हाँ, ये मनी है। हाय हाय। ये कालिया सीनू? हाय। ये पूछ रहे थे इनकी नई बहन का नाम क्या है, वही बता रहा था। रिया। हाथ क्या मिला लिया, बहन ही बना दिया इसने। कृष्णा, एक्चुअली मैं इस गांव में किसी को नहीं जानती हूँ। गांव देखना है? तुम मेरा नंबर ले लो। हेलो हेलो, बोलो। 90-232-58-582। हाथ ऐसे काम क्यों रहे हैं तुम्हारे? कुछ नहीं, इसके पीने का वक्त हो गया इसलिए। मैं फोन में पहली बार लड़की का नंबर सेव कर रहा हूँ ना, इसीलिए। ओके, एनीवे कल मिलते हैं। बाय बाय बाय। मनी, रिया कैसे लिखते हैं? R-O Y-Y-A रिया। अरे यार, ऐसा लग रहा है कि नंबर प्लेट लिखने वाले को होर्डिंग मिला हो। तेरी तो किस्मत खुल गई, पार्टी तो होनी ही चाहिए। हाँ यार, पार्टी तो बनती है ना। पगले, पार्टी इतनी धीरे से मांगते हैं क्या? पूरे गांव में जश्न की आवाज गूंजनी चाहिए। हाँ बोलो। सब लक्ष्मी दिखी अभी? कहाँ? हाय सुबलक्ष्मी, एक पंछी के लिए इतना गुस्सा करोगी, गलत है ना? डोंट इरिटेट मी। अपना नंबर दो, फिर इरिटेट नहीं करूंगा। जरा अपना फोन दो। पूरे 221 गर्ल्स के नंबर्स हैं। अपना भी सेव कर दो, 222 हो जाएंगे। What a great number. Throw it. What? सुबलक्ष्मी। भाई, 1,00,000 का फोन था वो। यहां प्रॉब्लम पैसों की नहीं है। 1 साल मेहनत करके वो कॉन्टैक्ट्स जमा किए थे। जा फोन उठा ले। मेंटल है पूरा। देखा, फोन भी फेंक दिया। लाने के लिए तुम्हारा चमचा तैयार है ना? पता है ऐसी सिचुएशन में सिगमंड फ्रॉइड क्या कहता है? कि तुम जैसे फ्रॉड का भरोसा ना करें। ठीक है, एक काम करते हैं। तुम 2 मिनट मेरी आंखों में देखती रहो, तब तक अगर समझ नहीं पाई कि मेरे दिल में क्या है तो कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सर्जन, किस लिए? तुम ऐसा नहीं करते तो मैं समझ ही नहीं पाती कि तुम कितने बड़े चीटर हो। तुम्हारी आंखों में मैग्नेट हो सकता है, लेकिन मैं आयन नहीं हूं। गुड बाय। इट शुड हिट देम लाइक अ साइक्लोन। वहां तो पंखे की हवा का भी इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट वहां नहीं, यहां हुआ। समझ भी नहीं आया, जब वो मेरी आंखों में देख रही थी तब वो मेरी जिंदगी में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? उसके बिना मैं क्या कर रहा हूं, यही सोच रहा था मैं। आई थिंक शी इज मेड फॉर मी, और मे बी आई एम मेड फॉर हर, और मे बी बोथ। एक्चुअली अब तक ऐसी मैजिकल फीलिंग किसी लड़की के साथ नहीं आई थी, अब समझ में आया क्यों। आई थिंक शी इज माई सोलमेट, डैम इट। तो हमेशा कहता है ना, एक अच्छी लड़की को देखकर शादी करके सेटल हो जा, मैं तैयार हूं। शी इज द वन। तो अब करना क्या चाहता है भाई?
यहाँ क्यों लेकर आया भाई? उस लड़की के लिए तपस्या करने का इरादा तो नहीं है? ये आंटी कहाँ चली गई? आंटी ओ पालन हारे, ओ पालन हारे, निर्गुण हारे, तुम बिन हमरा कौन नहीं है, तुम बिन हमरा। लग रहा है ज़ू में एक साथ चार पांच जानवर चिल्ला रहे हैं, कौन है ये? It is amazing. It is madness. अगर म्यूजिक इंसान होता ना तो आंटी जैसा दिखता। आपने वो गाने के बीच में जो हरकत ली थी ना, जो गाने को टर्न कर दिया था। टर्न किया था। माइंड ब्लोइंग आंटी। बहुत थैंक्स। वैसे तुम भी म्यूजिशियन हो? आपके जितना नहीं, मैं बस स्मॉल टाइम म्यूजिशियन हूँ। हमेशा से मैं वेस्टर्न क्लासिकल और इंडियन म्यूजिक का फ्यूजन क्रिएट करना चाहता था और अचानक Thank God, luckily आप मिल गई। तू immediately concert plan कर दे। Concert? इतने लोगों के सामने गाना गाना मुझे थोड़ा डर लगता है। सुनने वालों को डरना चाहिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है मैडम। क्या कह रहे हैं ये? आपको immediately training देकर world tour पर भेजना चाहता है। World tour? मैं तो ready हूँ। आंटी ready है। By the way, आज से आपका नाम नहीं है। तो क्या है? हाँ, आज से आपका नाम है दिनचाक रोजा। I like it. Perfect. वैसे नाम तो सेट हो गया है, अब ट्रेनिंग के लिए भी अगर कोई अच्छी जगह सेट हो जाती। मेरा घर है ना बेटा। जब टेररिस्ट पकड़े जाते हैं तो प्रेस के सामने जैसे गन्स और हैंड वेपन्स रखे जाते हैं ना, वैसे ही रखा है इन्होंने। ए भाई, किसे ढूंढ रहा है? अच्छा तो ये है तेरा प्लान। स्मार्ट बॉय। ए तुम सीधे घर में घुस गए? फौरन बाहर निकलो, नहीं तो पुलिस को फोन कर दूंगी। बाहर तो किसी क्यूट पपी जैसे बात करती हो, घर में अल्सेशन बन गई हो। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मैं लेकर आई हूँ बेटा, वेस्टर्न म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक को मिलाकर ये फू फू क्या कहा था तुमने? फ्यूजन। हाँ, फ्यूजन करने के लिए। फ्यूजन करने नहीं, तुम्हें फूल करने आए हैं मासी। डोंट कॉल मी मासी, कॉल मी डिंचक रोजा। वैसे मुझे फूल बना के इसे क्या मिलेगा? इसकी जरूरत है क्या? वो तो पहले से ही है। क्या कहा इसने? कह रहा है चाय पसंद आ गई। थैंक यू। भूल गई, ये है मेरे पति, बैंक में जॉब करते हैं। हेलो सर। सुनिए जी, शेक हैंड कीजिए। आई एम सॉरी बट अंकल को कुछ उन्हें थोड़ा कम सुनाई देता है। किस्मत वाले हैं। ओह थैंक यू जी। बेटा हम प्रैक्टिस कब से शुरू कर सकते हैं? ये तो गुरुजी बताएंगे। अबे तू है, सिखाने के लिए मुझे क्या आता है? सीखने के लिए इन्हें क्या आता है? क्या कहा इन्होंने? ये कह रहे हैं कि मुहूर्त बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग अभी के अभी शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा, मैं तंबूरा लेके अभी आती हूँ। हाँ। सुनिए चलिए मेरे साथ। ऐसे कहकर गई है जैसे मारने के लिए चाकू लेकर आने वाली है। तू काम पे लग जा। तुम्हारा भरोसा करने के लिए मैं मासी नहीं हूँ। तुम्हें यहाँ से कैसे निकालना है मुझे अच्छी तरह पता है। गुड लक। अबे सरपंच उठ गए तो मारेंगे। ए बावले, देख के चलना। अंधेरे में कुछ दिखेगा तब मैं चलूंगा, वैसे भी पीतल का लोटा है, टूटेगा नहीं। ये गिरा तो टूटेगा नहीं, हमारी हड्डी टूटेगी। ए ए यार नीचे देख, सरपंच की गाड़ी पंचर है यार। तो अब क्या तू घर जाकर सामान लाकर इसे ठीक करेगा? हाँ गुड आइडिया, मैं अभी आता हूँ। अबे पागल। अबे देख, इतना अंधेरा है फिर भी ये लड़की किसी लाल टेन की तरह चमक रही है, रात की चांदनी लग रही है ये। लड़कियों का भरोसा नहीं है यार, चेहरे पर फेस पैक लगाकर सो रही होगी। वो पैक नहीं, तू क्रैक है, मेरी आंखों से देखा। हाँ? रुक जा, देखकर बताता हूँ। सही है यार,
बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तू तो बहुत किस्मत वाला है। मैंने कहा था। लगता है मेरी किस्मत बुरी है। क्या हुआ? सर फंस गया यार। ये क्या कर लिया तूने? इसके अंदर कैसे फंस गया? मुझे भी नहीं पता, कुछ कर। उच्छा, उच्छा, निकालता हूँ। निकाल। तू यही मरकत है। लोगों ने सच कहा है, दूसरे के मामले में टांग नहीं घुसेड़ना चाहिए। मैंने तो सर घुसेड़ दिया है यार, अब क्या होगा यार। इतने सारे लोग कहां से आ गए? आज तो मेरा पूरा पंचर हो गया। क्यों बे कालिए, भगवान जैसे सरपंच के घर पर चोरी करने आया था क्या? मैं नहीं तो क्या मैं आया था? रात में दोनों साथ में आए थे। हाँ यार, हम दोनों साथ में घूमकर ही बड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या मैं तुझे माफ कर दूंगा? ए तू काटना, हो सके तो गर्दन भी काट ले। क्या ये तो अन्याय है। एक शब्द और कहा ना तो चप्पल से मारूंगा। सुबह को पंचर बनाता है और रात को घर में चोरियां करता है, ये तो पूरा पलटी खा गया। मंदिर के दान पेटी में हाथ डालना और सरपंच के घर चोरी करना एक समान होता है। इसीलिए तूने उनका कॉलर पकड़ा था है ना? उन्होंने ये बात सालों पहले भुला दी है। वैसे भी वो हमारे होने वाले रिश्तेदार हैं। हमारे भी जो कुछ भी हो, तुझे उससे क्या बे? ऐसा क्या? दोबारा यहाँ चोरी करने आएगा? बहन आप हंसिए मत, आप हंस रही हैं इसलिए मुझे ये ज्यादा मार रहा है। अब पैर पकड़ सरपंच जी के। उसकी जरूरत नहीं है, चल निकल यहाँ से। हाँ, इनके पैर छूने की भी औकात नहीं है तेरी, चल जा। और तू भी। दोनों साथ में चलेंगे। सरपंच साहब, आपकी कार का पंचर हो गया है। मेरी दुकान सुबह 10 बजे खुल जाती है, आप आना, मैं फ्री में बना दूंगा। क्योंकि ये तेरे रिश्तेदार बनने वाले हैं इसलिए। जाने को कहा ना, शर्म नहीं आती, जाने को पंचर बनाना फिरता है। इतनी एक्टिंग करने के बाद भी उस बुड्ढे ने भाव ही नहीं दिया। अबे तूने एक्टिंग थोड़ी ना की, ओवर एक्टिंग की है। लेकिन वो सब छोड़ यार, रात से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है। चल एक प्लेट इडली डोसा खा लेते हैं। मेरे जीवन साथी जटाधरा, तू ही बोले शंकरा, वेद विहारा हरा, विश्वेश्वरा, सीधे घर में घुस गया। तुम्हारी स्पीड के लिए ये ब्रेकलेस कार ही सही है। अर्जुन, मेरी एक मदद करोगे? बस एक? मुझे सिंगल डिजिट्स पसंद नहीं, 100 मांगो कर लूंगा। अर्जेंटली एक पेट डॉक्टर को लेकर आना है। आंटी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? आंटी की नहीं, पपी की। पपी की? उसे क्या हुआ? पता नहीं, बहुत वीक लग रहा है, अर्जेंटली एक डॉक्टर को लेकर। 2 मिनट में डॉक्टर आ जाएगा। बाय। यहाँ शांति से इडली भी नहीं खा सकता, क्या जिंदगी है। मुझे अर्जेंटली कीज दे। कीज क्यों चाहिए? आंटी की ट्रेनिंग किए बिना कहाँ जा रहा है तू? तो ढिंचिक रोजा गाने गाकर मार देगी मुझे। अगर मैं यहीं रह गया तो गाने सुनकर मरने वाला मैं पहला इंसान होऊंगा। कीज दे मुझे। अरे नहीं यार, अरे एक काम है। प्लीज प्लीज दे। हे भगवान, अरे जल्दी दे, जल्दी। अरे नहीं, अरे गुरु जी, गाना पूरा ही नहीं हुआ, कहाँ जा रहे हैं? क्या डॉक्टर साहब? हे डॉक्टर साहब। कृष्णा, क्या हुआ? आधी रात को ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात है? अब जल्दी से सरपंच जी के घर चलिए, उनकी पोती जख्मी हो गई है, वो बेहोश पड़ी है, चलिए ना। पहले क्या हुआ मुझे ठीक से बताओ तो। कहाँ चली गई? ऐसे डराती क्यों हो तू? यहाँ क्यों आए हो? मैंने सोचा कल की तरह कोई चोर वोर आ जाएगा तो वही देखने आया था। आया है ना? कहाँ? मैं जानती हूँ कल तुम्हारे फ्रेंड के साथ तुम भी आए थे। कृष्णा, मुझे बाहर लेकर चलो ना। इतने अंधेरे में? हाँ,
गांव की असली सुंदरता अंधेरे में ही दिखाई देती है, ऐसा एक फेमस राइटर ने लिखा था। वो हमारे गांव के कुत्तों को नहीं जानता होगा, मिलकर काट लेंगे। प्लीज कृष्णा। अच्छा ठीक है, पर दीवार कूदनी पड़ेगी, तुम कर पाओगी ना? मैं आती हूँ, रुको। ठीक है, धीरे धीरे आ जा, आराम से आराम से। रुको ना, मेरा हाथ पकड़ लो, आ जाओ आ जाओ। नीचे आओ मेरे कंधे पर। रिया, रिया, डॉक्टर साहब आप तो चलिए। हे, अंदर बच्चा घूम गया है, कावेरी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, ऐसी हालत में उसे छोड़ के फिर तो रुकना जरूरी है। चोट कितनी गहरी और कहां लगी है ये बता दो, मैं दवाई दे देता हूँ। कैसे बताऊं मैं आपको? इसके लिए दवाई दीजिए। ये क्या हुआ कृष्णा, सर पर चोट कैसे लगी? तुम्हारे लिए डॉक्टर के पास गया था, वो नहीं आ पाए, उन्होंने पूछा चोट कितनी गहरी है, तो मैंने दिखा दिया। Are you mad? कितना खून बह रहा है पता? अरे तुम टेंशन मत लो, ये तो मेरे साथ रोज होते रहता है, मुझे डर लगा कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। इतना डर किस लिए? कोई बात नहीं। रिया, 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 Hey Brahma, how is he, doctor? He's in coma. We tried our best. I'm sorry. When will he recover? I don't know. Maybe it takes a year. He needs shock treatment. Brahma, उस मृदुम राव ने फोन किया था। मैं हैदराबाद में कॉन्सर्ट कर रहा हूँ। Brahma, hey, Brahma, hey, Brahma, सुनना। मैं शादी करने वाला हूँ इस सुबलक्ष्मी से। हेलो। He's dying. He's dying. He will die. He's in a coma. अर्जुन। ब्रह्मा। संगीत सब कुछ बदल देता है। मैं एक बार ट्राई करके देखूं। वाह। शॉक ट्रीटमेंट। शॉक ट्रीटमेंट। अब शुरू कीजिए आंटी। ब्रह्मा मुकुटे। Did you see that? Wow, amazing! Thank you, Andy. लग रहा है यमलोक में बैल चिल्ला रहा है। मैं जिंदा हूँ या मर गया? Doctor. Wow, it's a medical miracle. Miracle या oracle? It's a murder. अरे बंद करो। Doctor, I want my coma back. I want to be in coma. Please, doctor. क्या कह रहे हो? I'm sorry, it is not possible. Doctor, please, coma, coma. Absolutely not possible. No way. तेरे पेट में कीड़े पड़े? Please, doctor, please. मैं बच गया तो बुरा लग रहा है। ऐसी बातों में मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। एक बार मिस होने पर ये मत सोचना कि मैं फिर से ट्राई नहीं करूँगी। दूर रहोगे तो रहोगे, वरना I want to marry you, Subbalakshmi. ये कितनी लड़कियों से कह चुके हो? You're right. बहुत लड़कियों को घुमा चुका हूँ, पर पहले ऐसा किसी से नहीं कहा। ये पहली बार है। I really want to marry you, Subbalakshmi. पहली बार तुम्हें देखा तो फ्लर्ट कर रहा था, तुम्हें फॉलो किया, पर अब पूरी तरह बदल चुका हूँ। अब मेरा फ्यूचर तुम ही हो। मैं तुम हिचक क्यों रहे हो? क्योंकि आज तक इतनी सिंसियरली किसी लड़की से बात ही नहीं की है। कुछ कहना तो है लेकिन समझ नहीं आता कैसे कहूं। लेकिन एक बात तो पक्की है, मेरी जिंदगी तुमसे है। तुम जो चाहोगी करूंगा। तुम्हें कैसे समझाऊं? इस जगह नहीं, शायद किसी रोमांटिक जगह होते तो अच्छी तरह समझा पाता। तो फिर चलो, चलते हैं।
पुलिस स्टेशन। रोमांटिक जगह कहा था ना तुमने? दुनिया में पुलिस स्टेशन से ज्यादा रोमांटिक जगह हो ही नहीं सकती। कम? हेलो सर। हेलो। ही इज हैरेसिंग मी। आई वांट टू रजिस्टर कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। हैरिस? मैं? तुमने कहा था ना मेरे लिए कुछ भी करोगे? जेल जाओ। जाता हूं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो। खुद देख लो, आज के बाद मेरा हाथ किसी लड़की पर पड़े या किसी लड़की का हाथ मुझ पर पड़े। हाय। ओ बेबी, डिड यू कम टू सी मी? अब ये इसका हाथ, मतलब इसके हाथ के बाद किसी का भी हाथ नहीं पड़ेगा। ये लास्ट हाथ है। ये यही तुम्हारा कैरेक्टर है। मेरी बात सुनो सुबलक्ष्मी। वेटिंग मैन बार्स। हे, अगर दोबारा किसी को पीटा ना तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। चल जा। इसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है। इसके साथ क्या करना है, कैसे करना, सब मेरे दिमाग में है। कृष्णा, ये सब क्या है बेटा? वो एमएलए का बेटा तुझे जीने नहीं देगा। हम ये गांव छोड़कर चले जाते हैं। कहाँ जाएंगे हम यहाँ से? जीना मरना इसी गांव में है। वैसे तू यहाँ क्यों आई है? तू घर जा और खाना बना के रख, मैं आता हूँ। तूने मेरी बात कभी मानी है? तो मुझे रुलाकर मारने के लिए ही पैदा हुआ है। सारी फॉर्मेलिटीज आप देख लीजिए, मैं देख लूंगा। बाद में मुझे कॉल कीजिए। ओके मैडम। ओके, थैंक यू। ओके मैडम। मैंने बिना किसी वजह के नहीं मारा था उसे। मैं जानती हूँ कि तुम कैसे हो। इनफैक्ट मुझे खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा है। उससे बच कर रहना प्लीज। उस दिन तुम्हारे दादा की पिटाई से बच गया तो ये क्या चीज है? ओ, दादाजी से याद आया, सुबह से मैं यहीं पर हूँ। टाइम क्या हुआ है? 6:30 मासी, 7:30 को याद दिलाना। जूस लेकर हॉस्पिटल जाना है गुरुजी को देखने, उनसे गाना भी तो सीखना है। तुम्हारे गुरु और उस अर्जुन के बारे में बात करके मेरा मूड स्पॉइल मत करो। आज मैं बहुत दिनों के बाद खुश हूँ। सुबु, सुबलक्ष्मी, वो इतना बुरा नहीं है। केस विड्रॉ कर लो ना बेटा। सरप्राइज हो गई ना? कवर पेज के साथ एडिशन प्रिंट कर दिया था, पर लास्ट मोमेंट में पिक देकर चेंज करवाया। किसने? अर्जुन ने। तुम्हें बताने से मना किया था। उसने हमारी बहुत मदद की है। आज के जमाने में ऐसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है, सच कह रहा हूँ। दिन बिना सो दिन रात मेहनत करके वो कैमरा रिकवर कर लिया। इतने रेयर बर्ड्स की फोटो लेना कम कर दो, कुछ नॉर्मल बर्ड्स की भी फोटो ले लो प्लीज। कवर पेज पर मेरी ली हुई फोटो का आना मेरा लाइफ टाइम गोल था अर्जुन। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन ये जानकर कि ये तुम्हारी वजह से आई है, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। I hate you, Arjun. उसकी बात का बुरा मत मानना अर्जुन, मैं भी उससे बात करती हूँ।
हाय अरे का भैया कैसी बातें कर रहे हो कितना दिन पहले तुमको चिट्ठी लिखी थी उसका जवाब तक नहीं दिया कृष्णा आया है मैं बाद में कॉल करती हूँ तुम बात करोगे संदीप मेरा क्लासमेट है तुमसे बात करना चाहता है हेलो हाय कृष्णा हाउ आर यू तुम्हारे बारे में रिया ने सब कुछ बताया है सुना है गांव में सबको प्रपोज करते हो तो रिया को क्यों नहीं किया ओ तो तुम जानते हो कि मैं और रिया एक दूसरे को प्यार करते हैं ए हमारी शादी में जरूर आना हाँ ओके फोन रिया को दो बाय क्या कहा उसे I'm sorry, Krishna. नहीं नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मैंने ही बिना सोचे प्यार करने की गलती कर दी मैं भी पागल हूँ तुम मुझे क्यों पसंद करोगी आखिर मेरे पास है ही क्या मैं तो मामूली आदमी हूँ ना मेरी बात तो सुनो कृष्णा अब सुनने के लिए क्या बचा कई बार लोगों ने मुझसे कहा है कि एक कौवा कुछ भी कर ले कोयल नहीं बन सकता कहाँ गांव में डब्बा पीटने वाला मैं और कहाँ तुम शहर की डॉक्टर क्यों पागलों जैसी बात कर रहे हो तुम संदीप तो बस ऐसे ही किस्मत में लिखा होना चाहिए सब बेकार है क्या पक रहे हो तुम अगर एक और शब्द बोलो ना तो थप्पड़ लगा दूंगी बेवकूफ कहीं के तुमने मुझे डांटा नहीं बात कर रही हूँ तुम ही ने कहा था ना कि इस गांव की औरतें अपने पतियों से ऐसी बात करती हैं मतलब पागल हो गई है क्या उसके पास है क्या जो तूने उसे पसंद किया उसके पास सब कुछ हो सकता है लेकिन सिंसियरिटी नहीं है आप कह रहे हैं कि उसके पास कुछ नहीं है लेकिन कृष्णा मेरे लिए अपनी जान दे सकता है किसी लड़की को और क्या चाहिए तू जो कहती है वो सही है लेकिन अर्जुन तुम्हारे लिए बदल चुका है उसे तुम्हारे लिए ये सब करने की क्या जरूरत है बेटा जरूरत है इसीलिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है वो तुम्हारी जायदाद के लिए ही उसने ये सब प्लान किया है भूल जाओ उसे उसने कोई कम टॉर्चर नहीं किया है जो मैं भूल जाऊँ आप कुछ भी कहिए उसके लिए मेरा ओपिनियन नहीं बदलेगा वो एक बड़ा चीटर है मासी चीट करेगा ऐसा आपको लगता है दादाजी पर मुझे लगता है कि कृष्णा मुझे जिंदगी भर खुश रखेगा तू कुछ भी कह दे लेकिन वो बहुत अच्छा है सुबलक्ष्मी तुम एक बार उसके बारे में पॉजिटिवली सोच के तो देखो सोचने के लिए कुछ नहीं है गाँव के लोग ये कहें कि मेरी पोती एक डिब्बा पीटने वाले से प्यार करती है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा तैयार हो जाओ हैदराबाद की बस आती होगी मैं हैदराबाद चली जाऊंगी मासी आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी उसने मुझे बहुत धोखा दिया है इट्स माई फाइनल डिसीजन सर रिया घर पर है क्या नहीं वो घर पर नहीं है हम उसी का इंतजार कर रहे हैं अब तक नहीं आई हाँ अंकल मेरा नाम अर्जुन है सुबह लक्ष्मी है सुबह ही आ जाना चाहिए था उसी को ट्राई कर रहा हूँ फोन स्विच ऑफ है फोन स्विच ऑफ मैं वॉशरूम होकर आती हूँ ठीक है We'll be right back.
एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूँगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुँचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। एक्सक्यूज मी सर। सर फिर क्यों आ गए भाई? What? एक घंटे पहले कंप्लेंट देकर गए, इतनी जल्दी ट्रेस आउट कर लूंगा क्या? हो वो कौन है जो पैंट पे चड्डी पहनता है? सुपरमैन सर। सुपरमैन समझा है क्या? एक घंटे पहले मैं इस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट देने आया हूँ। गधा लगता हूँ मैं तुम्हें? Hey, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट अकुर्ती की लड़की का मिसिंग केस यही जनाब लेकर आए थे ना? जी सर, आधे घंटे तक दिमाग चाटा इसने। ड्रेस बदल कर आया, ठीक है, लड़की भी बदल दी। समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मेरा नाम अर्जुन है, मैं आज ही सुबह यूरोप से आया हूँ। सुबह सुबह क्या कन्फ्यूजन है यार ये? है छोटा सर। चले गया। जी सर। लड़की का नाम? उस लड़की का नाम सुभलक्ष्मी है। आज सुबह चाय में इलायची डालना मत बोलना। जी सर। जी तो बोलता है फिर वही चाय लेके आ जाता है। नाम क्या? अर्जुन। तुम्हारा नहीं, उस लड़की का। सुभलक्ष्मी। क्या लगती है तेरी? She is my friend, actually. सर चाय। आखिर बनाई ली तूने? तू बोल भाई। कल उसने प्राग से टेक ऑफ किया था और यहाँ लैंड हुई, लेकिन एयरपोर्ट से घर नहीं पहुंची। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। फ्रेंड के घर गई होगी? नहीं सर, हम हर जगह ढूंढ चुके हैं, उसके किसी दोस्त के घर। गुड मॉर्निंग सर। क्या भाई शंकर, रात को ही आने वाला था, तीन दिन लेट आ रहा है, चक्कर क्या है भाई? एटीएम कार्ड जेब में रखा था तो टूट गया था सर, नया लाने के लिए गांव गया था। तो लेकर आ गया ना? ले आया हूँ सर, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए मेरी बीवी लेके गई है। इन औरतों को दूसरा काम ही क्या सर? या तो लड़ती रहती हैं या तो फिर खरीदती रहती हैं। इसकी गर्लफ्रेंड की तरह हमारी बीवियां भी मिस हो जाती तो बढ़िया होता। इनके बेकार के जोक सुन के कान पक गए हैं। अगर वो लोग अपनी मर्जी से खर्च करेंगे तो क्या? इसीलिए तो सर ऐसी सेटिंग की है कि ओटीपी सीधे मेरे फोन पे आएगा। ओटीपी? वो क्या होता है भाई? One time password. Can you please get serious about this, please? वही तो बता रहे हैं। हाँ तू ओटीपी की कुछ कहानी सुना रहा था। अगर कोई मेरे कार्ड से शॉपिंग करने की कोशिश करेगा ना सर, तो बिल कंप्लीट करने के लिए ओटीपी की जरूरत होती है, सीधे मेरे फोन पे आ जाएगा। अच्छा हाँ। मतलब तेरी बीवी शॉपिंग करेगी और ओटीपी तेरे फोन पे हाँ। आएगा। Are you guys kidding me? यहाँ एक लड़की लापता है और तुम दोनों आपस में बकवास किए जा रहे हो। Who the hell gave you this job, man? I'm going to complain to higher authorities. क्यों भाई? चिल्ला क्या रहा है तू? सुबह एक फोटो अभी दूसरी फोटो लेकर के आ रहा है और हमें कंफ्यूज कर रहा है क्यों? अगर ज्यादा बोला तो इस लड़की को तूने किडनैप किया ऐसा बोल के अंदर कर दूंगा तुझे। Oh yeah? Really? Talk to my lawyer then. Sir, what the hell is he talking about? सर, wait, my phone. Sir, sir, बात सुनिए, आप इधर आइए। आइए। निकल। देखो भाई, हमारे भरोसे उस लड़की को ढूंढ नहीं पाओगे। यहाँ सिस्टमेटिकली रिश्वत लेते हैं लेकिन केस फाइल करते हैं, इंक्वायरी नहीं करते। इसीलिए सुबह आए थे, दोपहर आए थे, ऐसी कहानियां बनाते हैं। वैसे दो लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं यार? तो अब मैं क्या करूं शंकर, सुभलक्ष्मी को कैसे ढूंढूं? जहां तक मैं जानता हूं मिसिंग के पीछे तीन वजह हो सकती है। पहला किडनैप, अगर पैसों के लिए फोन नहीं आया तो ये नहीं होगा। दूसरा एक्सीडेंट, अगर ऐसा होता तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई होती। तीसरा बसता है ट्रैफिकिंग, मतलब लड़कियों को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूट बनाना या विदेशों में बेच देना। मुझे लगता है यही हुआ होगा क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि ऐसी ही एक गैंग शहर में आई है। अगर 48 घंटों के अंदर हम लोग उसे नहीं ढूंढ पाए तो समझो उसका मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं क्या करूं? सुभलक्ष्मी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखो लड़की एयरपोर्ट से वापस नहीं आई है, अगर हम सीधे एयरपोर्ट जाएं तो क्लू मिल सकता है। हाँ। Thank you.
आज सुबह लक्ष्मण किसी कार एक्सीडेंट किसी लड़की के बारे में बात कर रहा था। ये लक्ष्मण कहाँ मिलेगा? तीन चार लोग थे शायद, मेरी गाड़ी को ठोक कर बहुत स्पीड में चले गए सर। ये लड़की उसी गाड़ी में थी सर। गाड़ी का नंबर देखा? मतलब सुबलक्ष्मी घर से गायब है? हाँ यार, सुबह किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। गाड़ी का नंबर मिल गया, डिटेल्स चेक कर रहा हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ, बाय। गाड़ी के नंबर से पता चलता है कि गाड़ी ट्रेवल एजेंसी की है। ट्रेवल एजेंसी, नाम क्या है उनका? श्रीनिवास ट्रेवल्स, यहाँ से 3 किलोमीटर। चलो। हाँ। सोच ही रहा था कि मेरी बीवी ने शॉपिंग शुरू कैसे नहीं की। हो गया। हाँ बोलो श्रीदेवी। मुझे नहीं, आपको बोलना है ओटीपी। 2000 का क्या ले रही हो? सिर्फ 2000 में झाड़ू मिल रही है। झाड़ू के 2000? बगल की दुकान में मिलने वाली झाड़ू के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करना जरूरी है? ओहो, 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है। बकवास बंद करके ओटीपी बताइए। लिखो। कहिए। 444 444। फिर से 444? हाँ 444 19। हाँ लिख लिया। पता नहीं झाड़ू से घर साफ करेगी या नहीं, मेरा बैंक बैलेंस साफ जरूर करेगी। सर सर सर, वही रोक लीजिए सर। यही गाड़ी है सर। बाहर जो वैन खड़ी है उसकी डिटेल्स चाहिए, किसने रेंट की थी? ये पूछने वाले तुम कौन हो? हेलो पुलिस, पंजागुड़ा पुलिस स्टेशन जानते हो ना? उस स्टेशन का ऐसा ही मेरा जीजा है, ये तुम जानते हो ना? दोनों टकले ही है, आप ही बात कीजिए सर। एक हफ्ते में मेरी बहन की शादी है, 10 दिन के लिए 10 गाड़ियां चाहिए। कितना लोगे? सर कल इसी ने वैन रेंट पर ली थी सर। सर शादी कहाँ है सर? यूरोप में। Not him. इसने गाड़ी ड्राइव नहीं की। तुम्हें कैसे पता यार? ठीक से ढक्कन नहीं घुमा पा रहा है, स्टीयरिंग क्या खाक घुमाएगा। सर आपको जितने पैसे चाहिए दूंगा। एयरपोर्ट पर जो एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने आपके लाइसेंस पर गाड़ी रेंट की, आपने नहीं चलाई, तो फिर किसने? मुझे नहीं पता बेटा, ड्राइविंग लाइसेंस देकर मैं कार लेकर आता हूँ, कार कोई और चलाता है। उसका नाम क्या है? नाम एड्रेस नहीं जानता हूँ, वो हमेशा मुझे वाइन शॉप के पास मिलता है। दिखने में कैसा है? आजकल लड़कियां सीधे वाइन शॉप में जाके दारू लाने लगी हैं। इससे अच्छी तो मेरी बीवी है, पीने का मन करता है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। बस सुना है यूरोप की लड़कियां पीना बहुत पसंद करती हैं। कुछ ना पीने वाले भी होते हैं। सच में? तुम लोग कितना भी कह लो मैं नहीं पीऊंगी, दैट्स इट। इतना भी नाटक मत कर यार, एक बार ट्राई तो कर, आंखों के सामने जो है वो मैजिकली गायब हो जाता है। कहा ना छोड़ दो। ए, बस भाई और कितनी देर देखेगा? बस 10 मिनट और। हाय ब्रो, हैदराबाद से ब्रोस्टा नाम का एक नया ड्रग आया है, ट्राई करोगे क्या? ओ भाई उस लड़की के चक्कर में अभी अभी तो सुधरा है, अभी से ड्रग्स के चक्कर में मत डाल, जाए यहाँ से। नो प्रॉब्लम ब्रो, इफ यू नीड दिस स्टफ जस्ट कॉल मी। चल। देख लिया ना भाई? हाँ देख लिया। ये यहाँ भी आ गया? इसे पीने से क्या सारी चीजें गायब हो जाती हैं? सुबह
ऐसे कितनी दूर तक चलोगे? जितना दूर तुम जाओगे उतना। मेरा घर यहाँ से 8 किलोमीटर है। आ जाऊंगा। नेक्स्ट वीक मेरे हैदराबाद जाने के बाद 8,000 किलोमीटर। आ जाऊंगा। अगर वहाँ आने के बाद मैं ना मिलूं तो? जब तक तुम मिल नहीं जाती, हर गली हर घर में तुम्हें ढूंढूंगा। अगर मैं तब तक मर गई तो? सुबलक्ष्मी, मेरी माँ से म्यूजिक के पीछे पागल है। ये तुम मुझे क्यों बता रही हो? 221 गर्ल्स को कैसे पटा लिया तुमने? यार, उस बुड्ढे की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से दाढ़ी बॉडी देख के लग रहा है यही होगा। पुलिस सुनो, विश्वास करो यार। अरे यार, कितनी बार कहा है मैंने, मैं किसी लड़की को नहीं जानता, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो तुम? हे, यही है बॉस, अब मेरी बात पे विश्वास करो यार। बॉस, भाई सिर्फ एक्शन नहीं है, डबल एक्शन है। तुम्हारे चेहरे की तरह तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी एक ही है, कैसे? हे उल्लू के बट्टे, चेहरे से क्या फर्क पड़ता है? मुझे बस इस बात की फिक्र है कि रिया नहीं मिल रही है, उसका पता लगा लूंगा चाहे उसके लिए इसे मारना क्यों ना पड़े। ब्रो एक सेकंड रुको, इमोशनल होने से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, सॉल्व नहीं होती। वी शुड हैव अ प्लान। कृष्णा नदी पर कोई पुल बनाना है क्या? जो प्लान चाहिए। वैसे ये तुम्हें कहां मिला? सुबह पुलिस स्टेशन गया था, वहां समझ गया किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा बस स्टैंड पहुंच गया। ये लड़की यहाँ आई थी, आपने इस लड़की को देखा है क्या? माँ जी, आपने इस लड़की को देखा है? नहीं देखा। 5, 6, 7, 8। मैंने पूछा कि उसे वो चेन कहाँ से मिली? मेरे पति ने दी थी। मैं उसके पति के पास गया। सर, उसी सेठ की दुकान से। वहां से मैं सीधा उस सेठ के पास गया और उस सेठ से उसके पति से सीधा सेठ के पास कैसे गया? बीच में वो लड़का भूल गया रे। मुझे कुछ नहीं पता सर, सेठ को तो मैं चाय देने गया था, तभी चुपके से चुरा लिया सर। तो मैंने सेठ को तबीयत से पूछा। यही है साहब, किसी ने चैन गिरवी रखी थी। उसने कहा इसने वो चैन गिरवी रखी है। कैसे चैन, कौन सी लड़की, मैं कुछ नहीं जानता। इतनी तलाश करने के बाद आखिर ये हाथ लगा। वैसे यार, वो सेठ, टी स्टॉल वाला, बस स्टैंड वाली, सबने तुम्हारे पूछते ही सच कैसे बता दिया?
पूछने से नहीं बताया। इसके फ्लैशबैक में इंक्वायरी से ज्यादा तो दर्द है। तुम दोनों रिलैक्स करो यार। देखो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस यूज करके इसे सच कैसे उगलवाता हूं। जस्ट वॉच। लड़कियां कहां है? मुझे नहीं पता दोस्तों। अब मैं इसे जो ट्रीटमेंट देने वाला हूं उससे तुम्हें चक्कर आ सकता है। प्लीज कीप डिस्टेंस। अब बता कि लड़कियां कहां है, नहीं तो इसे चुभा दूंगा। कहां ना नहीं पता। चुभा रहा हूं। कह दिया ना मुझे नहीं मालूम। चुभा दूंगा। ए, तू बहरा है क्या? युद्ध के वक्त सिर्फ युद्ध करते हैं, कविताएं नहीं सुनाते हैं। रिया कहाँ है? मेरा उस ट्रैफिकिंग गैंग से कोई भी संबंध नहीं है। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि लड़कियां कहाँ हैं और तू ट्रैफिक और पोल्यूशन की बात कर रहा है। रुक रुक रुक। ट्रैफिकिंग का मतलब है इलीगल बिजनेस। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, मतलब ये लड़कियों से जबरदस्ती धंधा करवाते हैं। अगर 43 घंटे में उन्हें ढूंढ कर नहीं निकाला तो वो हमें कभी नहीं मिलेंगे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझ पर जिंदगी में किसी इंसान को मारने की नौबत आएगी, लेकिन अब इस बात को भेजे में घुसा ले, इसके पीछे जिसका हाथ है ना, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सर मेरा भरोसा कीजिए सर, मैं तो सिर्फ एक ड्राइवर हूँ। पिकअप करके जहाँ ड्रॉप करने के लिए कहते हैं ड्रॉप करता हूँ। सेल फोन पर ही सारी डील होती है सर। हम उनके फोन का इंतजार करते हैं, फोन में उनका नंबर नहीं दिखता सर। हर महीने अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता सर, यकीन कीजिए। क्या कर रहे हो ब्रो? इसका दूसरा पैर खा लिया ना, देख रहा हूँ उसमें क्या फिट कर सकता हूँ। सर 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 सर, एक दो बार मैंने उन्हें किसी ट्रेन फैक्ट्री के बारे में बात करते सुना था सर। ये पता था कि ऑपरेशन करके पैर में रॉड लगाते हैं, डायरेक्टली घुसा देते हैं, पहली बार देख रहा हूँ। इससे बच के रहना पड़ेगा यार। अगर मैं कभी गलती से इसके साथ चला जाऊं तो मुझे अलर्ट कर देना भाई। मेरा फोन तुम्हारे पास कैसे आया? इस लड़की का नाम क्या है? सुबह लक्ष्मी। दिखने में तो समझदार और सुशील लगती है, तुझसे कैसे पट गई? वैसे तू भी एरोगेंट इलिटरेट है, तुझसे पट गई ना? क्या बोला रे इसने? शहर के सारे रेलवे गोडाउन में ढूंढ लिया, सिर्फ यही बचा है, लेकिन इसे बंद हुए 10 साल हो गए। इसमें होने का चांस नहीं है, लगता है ड्राइवर ने हमें बेवकूफ बनाया है। इस वक्त ये गाना सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा है, इसका मतलब वो यहीं कहीं आसपास है। ये आधी रात में भी शॉपिंग करना नहीं छोड़ेगी, मेरी बीवी है यार। अगर यहाँ कोई नहीं तो रुकना है क्यों? We are running out of time. Let's go. मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम्हें आना है तो आओ वरना निकल जाओ। अरे यार कृष्णा मेरी बात तो सुनो। पुराणों में कृष्ण की बात अर्जुन ने सुनी थी, अर्जुन की बात कृष्ण ने नहीं। ऐसे ताले कैसे खुलते हैं सिर्फ पुलिस ही जानती है। तुम लोग यहाँ रुको, इसे खोलने के लिए एक मजबूत रॉड होना चाहिए। इसके साथ आए तो हमें परमिशन की जरूरत नहीं है भाई। Thank you.
लोगों ने जरूर लड़कियों को यहाँ से कहीं शिफ्ट कर दिया है। कहाँ लेके गए होंगे? हे, कोई आ रहा है। ए, कृष्णा। इस वक्त फोन। हेलो भाग्यवान, मैं एक इम्पोर्टेंट मिशन पे हूँ। मैं वॉशिंग मशीन खरीदने वाली हूँ, ओटीपी बताइए। श्रीदेवी, मेरी सिचुएशन समझो यार। कपड़े धो धोकर हाथ में छाले पड़ गए हैं मेरे, आप मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए, ओटीपी बताइए। ठीक है, लिख लो। 542754। सुना नहीं दे रहा? 542754। अरे थोड़ा जोर से बोलिए ना। 542754। ठीक है। बताने में इतनी देर कर दी, टाइप करने से पहले टाइम खत्म हो गया। यह मेरा टाइम भी खत्म। और कितने लोग हैं रे? पुलिस पुलिस, भागो। चल 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 जल्दी भाई, चल 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 गाड़ी चला जल्दी। मेरे आने में एक मिनट देर हो जाती तो मर जाते तुम। रिया के लिए किसी को मारना पड़े या मरना पड़े मैं तैयार हूँ। सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुसीबत में है क्या? जान लेना या जान देना बहुत आसान है। अगर रिया तुम्हें चाहिए देन यू शुड बी सेफ फर्स्ट। वो हमारे हाथ से निकल गए इस गधे के उस फोन की वजह से। चप्पल से मारना चाहिए इसे। चप्पल से? गर्ल्स कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल, सॉफ्टवेयर कंपनी, सुल्तान बाजार, इन सारी जगहों में एक चीज कॉमन है और वो है लड़कियों की भीड़ होना। उनका नेक्स्ट अटेम्प्ट इनमें से कहीं भी हो सकता है। लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनीज, गर्ल्स कॉलेजेस हैदराबाद में बहुत है, कहां कहां ढूंढेंगे? इस बार हम उनके पास नहीं, उन्हें हमारे पास बुलाएंगे। कैसे? अगर मैं कॉन्सर्ट करूं तो देयर विल बी अ ह्यूज टर्न आउट ऑफ टीनएजर्स, स्पेशली गर्ल्स। ये लोग भी वहां जरूर आएंगे। इतना सब होने के बाद वो अटेम्प्ट करेंगे? 11 तारीख को और 10 लड़कियां चाहिए ऐसा अंदर लिखा है, मतलब उन्हें कल 10 लड़कियां चाहिए होंगी। उन्हें किसी भी कीमत पर आना ही होगा। क्या आइडिया है भाई? उसने एक चेप आइडिया दे दिया और तूने गधे जैसा सिर हिला दिया। एक लड़की को पटाने के लिए मुझे 25 साल लग गए। वही थोपड़ा लेकर ये गाना गाएगा और सारी लड़कियां काम धंधा छोड़कर नाचने आ जाएंगी। ऐसा कभी हो सकता है क्या? डूड, पता है ऐसी सिचुएशन में सिगमंड फ्रॉइड क्या कहता है? कौन कहता है? सिगू फ्रॉइड। मैं अभी उस मृदंग राव को फोन करता हूं। सर, बताइए सर। कल सुबह हैदराबाद में कॉन्सर्ट करना है। ओवरनाइट सारी अरेंजमेंट्स कर दो, अक्रॉस सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर एल्स। इमीडिएटली डिटेल्स अपडेट करो। हेलो, वो भागे, ये इसके हाथों मर गया। सारे प्लान को स्पॉइल कर दिया, इससे कोई क्लू भी नहीं मिला। मैंने कोई जानबूझकर नहीं मारा है, बस मेरे हाथ से हो गया। तेरे हाथ से हो गया? अब मैं जो कहता हूं सुन, तुझे रिया कभी नहीं मिलेगी। एक बार फिर से तूने ये बात बोली ना, अंदर का जानवर जाग जाएगा। तो अब कौन सा इंसान है तू? समझ नहीं आता ऐसे जंगली जानवर से वो कैसे प्यार कर सकती है।
इसे यहाँ से लेकर जा। इस चूजे को अनजाने में मारा लेकिन इसे जानबूझकर मार दूंगा। तो मार दे, दूसरा आता ही क्या तुझे। शंकर, वो लड़की इसके साथ रहने से अच्छा वहीं खुश रहेगी, इससे तो दूर ही रहना अच्छा है। यार बहुत कम टाइम बचा है अपने पास, अगर तुम लोग ऐसे ही मारपीट करते रहोगे तो लड़कियों को देश के पार करवा देंगे, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बेवकूफ के साथ उसे ढूंढना इम्पॉसिबल है, तू कहीं भी जा, आई डोंट केयर। समीर, काम हो गया क्या? एक ही बार कहूंगा इसीलिए बात भेजे में घुसा लेना, बात याद ना रहे तो कहीं लिख लेना। तू जो कोई भी है, जहां कहीं भी है, आज तक जैसी मौत किसी ने देखी ना हो वैसी मौत तेरा इंतजार कर रही है। मैं किसी ने गनी को मार डाला। गनी? पुलिस वाले हैं क्या? नहीं, जो गनी तक पहुंच सकता है वो यहां तक भी पहुंच सकता है, उसका प्लान कुछ और है, तभी वो हमें फॉलो कर रहा है। एक काम कर, सब लड़कियों को स्प्लिट कर दो, दो अलग अलग गाड़ियों से दो अलग अलग रास्तों से जाओ और प्लान के अकॉर्डिंग 2 घंटे पहले निकलो, और अगर वो रास्ते में आए तो मार डालो उसे। दादा जी। मैडम, कैंटीन से समोसा लेना, एग पफ लेना, पाव भाजी लेना, बादाम मिल्क शेक लेकर सबको बांट दो। स्पेशल है क्या? अर्चना बर्थडे है। बर्थडे वर्थडे कुछ नहीं है यार, हमारे कॉल सेंटर को कंटिन्यूसली कॉल करके टॉर्चर करने वाला कृष्णा 1 महीने से फोन नहीं कर रहा, इसलिए मेरी तरफ से सबको पार्टी। हेलो, एयर वॉइस में आपका स्वागत है, कृपया करके अपना नाम और नंबर बताइए सर। सुन, मैं कृष्णा बोल रहा हूँ। दादा जी। मैडम, वो एक पफ बादाम मिल्क शेक सब कुछ कैंसिल कर दो। ओके मैडम। क्या है, पैसे शुरू क्यों हो गए? मैं बदल चुका हूँ, बस मुझे एक नंबर की जानकारी चाहिए थी। ऐसे काम हम लोग नहीं करते, बाय। सुनो सुनो, फोन मत काटना, ये कई लड़कियों की जिंदगी और मौत का सवाल है, बस इतना बता दो किसका नंबर है। ठीक है बताती हूँ, लेकिन एक कंडीशन पर, इसके बाद तुम मुझे कभी भी कॉल नहीं करोगे। कभी नहीं करूँगा। ठीक है, नंबर बताओ। लड़की का नाम परिणीता है, सड़क पर बेहोश पड़ी थी, ये जरूर उन ट्रैफिक वालों का ही काम होगा, यही रूम है। मेरी परिणीता, क्या हाल है इसकी? डॉक्टर, शी डाइड ड्यू टू हाई डोसेज ऑफ ड्रग्स। लड़की बहुत कमजोर थी इसलिए ड्रग इफेक्ट सहन नहीं कर पाई। ये जानकर कि अब ये लड़की नहीं बचेगी, वो उसे सड़क पर छोड़कर चली गई। लड़कियों का ब्रेन फंक्शनिंग नम करने के लिए ट्रैफिकर्स इस ड्रग को यूज करते हैं। बेचारी जब ये यूज करते हैं, कितने लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी नहीं जानती। उन्हें स्लेव्स बनाकर उनकी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। इस ड्रग को रिपीटेडली यूज करने की वजह से मेंटल ट्रॉमा से सुसाइड करने की नौबत आ जाती है। एक लड़की के लिए इससे ज्यादा नरक क्या हो सकता है? इसके बारे में कुछ अच्छा हुआ है तो वो ये है कि ये इससे जल्दी छुटकारा मिल गया, नहीं तो उसे दर्द सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता। उसे कौन सी बीमारी है डॉक्टर? स्कोपोलामाइन, इसे रोस्ट्रा भी कहते हैं, ये रेयरली मिलता है। हाँ बोलो। तुझे याद है हमें किसी ने रोस्ट्रॉय ड्रग बेचने की कोशिश की थी? कब? अरे जिस रात हम सुबलक्ष्मी को देखने पब में गए थे। वो कहां से आया था, हैदराबाद में कौन उसके डीलर्स हैं, सारी डिटेल्स मुझे अभी चाहिए। ठीक है भाई, निकालता हूँ। हाँ बोल अर्जुन। यार यूरोप आते ही तेरे एनजीओ के लिए कॉन्सर्ट करूंगा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। सॉरी यार, तुझसे बहुत रूडली बात की।
अच्छा थैंक यू। शेक पेट चलो। जी सर। चल भगाना। रोस्ट्रा, ये ट्रक तो किस किस को बेचता है पता? सच बता वरना I'll kill you right now। दो बार बालनगर में दिया था सर, लेकिन उसके पहले पुराने पुल में दिया था। हे, पुराना पुल में कहाँ? मैंने ये कहीं देखा है, रात को ट्रेन में। ए रुक रुक। तुम्हारे कॉन्सर्ट में आकर मैंने तुमसे मिलने की कोशिश की, लेकिन मिल नहीं पाई। अगर तुमने आने में थोड़ी सी देर की होती तो उस गधे के साथ मेरी शादी हो गई होती। चल यहाँ से। कौन हो तुम? कहाँ जाने का है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये मजाक करने का वक्त नहीं है, चलो। ये क्या कर रही है तू? बोला ना तुझे नहीं जानता मैं। चल फुट। अर्जुन प्लीज स्टॉप इट। इन लोगों के देखने से पहले मुझे यहाँ से ले चलो। अच्छा तो ये मैटर है। अरे तू मुझे अर्जुन समझ रही है, पर मैं वो हूँ नहीं, मेरा नाम कृष्णा है। ऐसी बातें मत करो अर्जुन, प्लीज अर्जुन मुझे अभी यहाँ से भगा कर ले चलो। अरे भगाने के लिए मैं चील और तुम मुर्गी थोड़ी ना हो, चलो जाओ यहाँ से। प्लीज अर्जुन। अरे क्यों फुकट में चिपक रही है? हट ना, चल निकल निकल। प्लीज अर्जुन। क्या कर रही है? बोला ना मैं डुप्लीकेट हूँ। अरे छोड़। What's happening? My boyfriend. अंकल, what's happening? निकी, अपना मुंह बंद करो और चुपचाप चलो। डैड, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अर्जुन से करूंगी, मुझे ये करने से शादी नहीं। हेलो, कुछ भी लपेटो मत, मेरा नाम अर्जुन नहीं कृष्णा है। मैं तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू भी जानती हूँ अर्जुन। एक घंटे में तुम्हारी शादी होने वाली है और ये सब क्या चल रहा है? माँ, आप कुछ नहीं जानती, आप चुप रहिए। अर्जुन और मैं एक जैसे दिखते हैं, इसलिए तुम धोखा खा रही हो। तुम छोड़ो ना यार। अर्जुन, तुम्हारे साथ तीन रातें गुजारने के बाद भी अगर तुम कहोगे कि तुम अर्जुन नहीं हो तो मैं मान लूंगी क्या? पापा, what's happening? अरे तेरा सिर happening? तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये खानदान कितना बेशर्म है? समधी जी, हाँ? अगर मेरे खानदान के खिलाफ कुछ भी कहा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। क्या कर लेगा? तू क्या कर लेगा? भाई शायद लड़कियों को लेके जा रहे हैं। शंकर तुम उस तरफ जा। ओके भाई। गाड़ी से शहर में रहेगा और मैं तुझे पकड़ नहीं पाऊंगा। सर ऐसे क्यों हिला रहा है तू? जिस दिन से तूने मुझे मारा है उस दिन से लेकर आज तक एक एक पल मैंने बहुत मुश्किल से काटे, और तू यहाँ नए कपड़े पहनकर इस शहर में मौज मस्ती कर रहा है। तेरी लाश ले जाने के लिए तेरे दोस्तों को मैंने पहले ही फोन कर दिया है, अब बस तुझे मारना बाकी है। Thank you.
दोनों का बस चेहरा एक है, लेकिन तूने उसे कृष्णा कैसे समझ लिया एमएलए के पिल्ले? हमारे गांव का हर कुत्ता जानता है कि कृष्णा मुश्किलों का सामना करता है, भागता नहीं है। पहले ही मेरा ये शरीर गर्म है, अगर हमने अभी लड़ाई कर ली ना तो तेरी ऐसी हालत करूंगा कि गांव की बिरयानी खाने के लिए तेरे दोनों हाथ नहीं बचेंगे। ए, कहां जा रहा है बे? क्या कह रहे थे तुम? श्री मेस की बिरयानी खाए बिना मैं नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूं, भूख लगी है मुझे। ए, ए, मारो इसे। तेरे मुंह में कपड़ा ठूसा ना, वो एकदम सही किया वो लोग ने। कौन थे वो लोग? Why did they want to kill you? किसी से झगड़ा किए बिना रह नहीं सकता। तुझ जैसा ब्रेनलेस इंसान जिंदगी में नहीं देखा। I could have burned to death. I wish I could kill you. तुझ में इतनी भी तमीज नहीं है कि जिसने जान बचाई उसका कॉलर नहीं पकड़ते हैं। हे, सुभलक्ष्मी की वैन तक पहुंचने वाला था, लेकिन इन लोगों ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। सब तेरी वजह से हुआ। उस वैन में सुभलक्ष्मी है ही नहीं। क्या कह रहा है तू? तुझे कैसे पता वो उसमें नहीं है? विकाराबाद के जंगल में तेरी जान लेने वाला है, हम लोग बहुत घबरा गए थे इसीलिए फोन किया यार। अरे वो मेरा क्या बिगाड़ेगा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, फोन रख। अर्जुन
मतलब सुभलक्ष्मी। सरप्राइज हो गई ना, कवर पेज के साथ एडिशन प्रिंट कर दिया था पर लास्ट मोमेंट में पिक देकर चेंज करवाया। किसने? अर्जुन ने, तुम्हें बताने से मना किया था। उसने हमारी बहुत मदद की है, आज के जमाने में ऐसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है, सच कह रहा हूँ। तीस लोगों ने 30 दिन बिना सो दिन रात मेहनत करके वो कैमरा रिकवर कर लिया। इतने रेयर बर्ड्स की फोटो लेना कम कर दो, कुछ नॉर्मल बर्ड्स की भी फोटो ले लो प्लीज। कवर पेज पर मेरी ली हुई फोटो का आना मेरा लाइफ टाइम गोल था अर्जुन, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन ये जानकर कि ये तुम्हारी वजह से आई है अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। I hate you अर्जुन। ऐसे कितने दूर तक चलोगे? जितना दूर तुम जाओगी उतना। मेरा घर यहाँ से 8 किलोमीटर्स है। आ जाऊंगा। नेक्स्ट वीक मेरे हैदराबाद जाने के बाद 8,000 किलोमीटर्स। आ जाऊंगा। अगर वहाँ आने के बाद मैं ना मिलूँ तो? जब तक तुम मिल नहीं जाती हर गली हर घर में तुम्हें ढूंढूंगा। अगर मैं तब तक मर गई तो? आऊंगा। अगर मैं तब भी ना मिलूं तो? तुम्हें हर घर हर गली में तब तक ढूंढता फिरूंगा जब तक मिल नहीं जाती। तब तक मैं मर गई तो? तब तो मैं किसी मिसिया जैसी से एडजस्ट कर लूंगा। भाई इन्फॉर्मेशन मिली है कुरियर सर्विस गाड़ी गोवा जा रही है। शंकर का फोन था, गोवा जाना पड़ेगा। गोवा किस लिए? मैंने सुना कि वो गोवा किसी दुबई शिप की बात कर रहे थे। मैं भी चलूंगा, तुम लोग बेकार में क्यों परेशान हो रहे हो, संभाल कर अपने घर चले जाओ। बस एक बात, गांव में मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, अगर किसी वजह से मैं लौट कर ना आऊं तो कभी कभी जाकर मिल लेना उससे। वो पागल सोचेगी बेटा आ गया और खुश हो जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा कृष्णा, हम साथ चलेंगे। चलो चलकर रिया को बचाते हैं। रिया से आखिरी बार कब मिले थे कृष्णा? नीचे आओ मेरे कंधे पर। रिया
ये क्या हुआ कृष्णा? सर पर चोट कैसे लगी? तुम्हारे लिए डॉक्टर के पास गया था, वो नहीं आ पाए। उन्होंने पूछा चोट कितनी गहरी है, तो मैंने दिखा दिया। Are you mad? कितना खून बह रहा है पता? अरे तुम टेंशन मत लो, ये तो मेरे साथ रोज होते रहता है। मुझे डर लगा कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। इतना डर किस लिए? कोई बात नहीं। Excuse me. Yes. The ship that was going to Dubai. Dubai जाने वाला? Yes. वो तो निकल गया सर 2 घंटे पहले। क्या कह रहा था? Ship 2 घंटे पहले निकल चुका है। रिया उसी में होगी। 2 घंटे? तो वो बहुत दूर गए होंगे। अब क्या होगा? Excuse me. Yes. It's an emergency. I need your yacht. Oh, this is my private yacht. I can buy it off actually. Do you know what's the cost? 15 crores. 15 crore chahiye. Lekin itni jaldi 15 crore ka intezam kahan se hoga bhai? Tu chahe to concerts par advance le le, property bech ya phir market se karza utha, jo chahiye kar. 5 minute mein paise transfer kar de. के लिए निकल गए इस बार लड़कियां। कृष्णा तू उस तरफ जा, हम इस तरफ देखते हैं। इसी ने हमारे आदमी को मारा था, ये बहुत डेंजर है भाई। हाय, पहले वो एमएलए का बेटा और अब ये। जब वो आएगा ना तो बचोगे नहीं। तुम लोग और शिप के अंदर कैसे आए? देख पुलिस को तो इन्फॉर्म नहीं किया ना। और कितने लोग हैं तेरे साथ? रिया कहां रखा है उसे तुमने? तू वही है ना जिसने मुझसे फोन पे बात किया था? देख सुन, इट्स जस्ट अ बिजनेस, नथिंग पर्सनल।
तो बता तू किस लड़की के लिए यहाँ पर है। हैंड ओवर करता हूँ, उसके बाद तेरा रास्ता तेरा होगा और मेरा रास्ता मेरा। भाई ए! चल फोटो दिखा लड़की की। कह रहा है रिया को तुम्हारे हवाले कर देगा। ये कह रहा है कि तुम इसे अब रिया की फोटो दिखाओ। ए! लेके आओ उसको। चल चल लेके जाए इसे, 50 लाख का लॉस समझकर भूल जाता हूँ। अरे ऐसे कैसे छोड़ रहे हो भाई? अगर इसके साथ पुलिस हुई तो पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा, छोड़ दे। मुझे बाकी की लड़कियां भी चाहिए। माँ बाप अपनी बेटियों को फूलों की तरह पालते हैं, कोशिश करते हैं उन्हें कोई तकलीफ ना हो, और तू लड़कियों को बाजार में सामान की तरह बेचेगा। मैं नहीं जानता कि इनमें से हर एक लड़की की माँ बाप भाई या बहन है या नहीं, पर आज मैं इनका भाई हूँ। तेरे पास जितनी भी लड़कियां हैं उनके साथ मुझे तुम सबकी जान भी चाहिए। सुबह लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। लड़कियों की इज्जत के साथ इस तरह धंधा करने वाले तुझ जैसे को अपनी आंखों के सामने मौत नजर आनी चाहिए। ए, ये पागल हो गया क्या? पागल हुआ नहीं है, पागल करने वाला है। अच्छा क्या तू जानता है मैं कौन हूं? नहीं, चल मैं बताता हूं। आज तक 30 से ज्यादा लोगों को मार चुका हूं मैं, और 300 से ज्यादा लड़कियों को बाहर एक्सपोर्ट कर चुका हूं। और तू मुझसे पंगा ले रहा है, हैं? ए, किधर से आया रे तू? और क्या उखाड़ लेगा तू? भाई इसे बता दे तू कहां से आया और क्या कर लेगा। जिला चित्तूर, गांव का नाम आकुर्ती। गांव के मंदिर में एक मूर्ति है, वैसे ही शांत रहता हूं, लेकिन अगर कोई आड़े आया। रिया को लेकर बोट में इंतजार करो। I'll be back। ठीक है। ध्यान से। Thank you.
जानता है इसकी कीमत कितनी है। 800 bucks। ये मुझे मेरी रिया की याद दिलाता है। कितने का है? तो ये तुझे कैसे दे दूं बे? यार कैसा लगा मूड? बहुत मस्त है भाई। ए भाई मुझे भी इंग्लिश लिखना सिखा दो ना। ठीक है चल। तुझे कितनी इंग्लिश आती है रिसर्च में टेस्ट करता हूँ। कलेक्टर की स्पेलिंग बता।